सीहोर को हरा भरा करने के उद्देश्य से वन विभाग, मनरेगा और आजीविका मिशन को मिलाकर पौधारोपण की योजना तैयार की गई है, जिसके तहत स्वतंत्रता दिवस पर स्व सहायता समूह की सदस्यों ने पौधारोपण का कार्य शुरू किया। आष्टा की ग्राम पंचायत सिद्धिकगंज के सरपंच महेंद्र कर्मा की उपस्थिति में वन विभाग की भूमि पर समूह की दीदियों ने पौधारोपण का कार्य शुरू किया। इस योजना के तहत वन विभाग की करीब 25 एकड़ जमीन पर वित्तीय सहयोग से पौधारोपण किया जाएगा। उन पौधों की निगरानी और प्रबंधन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की होगी। इस गतिविधि के माध्यम से भविष्य में होने वाली आय के प्रबंधन का अधिकार भी समूह की दीदियों का होगा। आजीविका मिशन के सहायक विकास खंड प्रबंधक मुकेश पांडे ने बताया कि इस वर्ष डुंडला, बांस, कटंगा के साथ सीताफल के पौधे लगाए गए हैं। आने वाले सालों में और भी पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। आज 15 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहाँ पे 2200 बांस के पौधारोपण का प्रोग्राम रखा गया है, जिसको समूह की महिलाओं द्वारा लगाया जाएगा और इनकी देखरेख भी की जाएगी। इसके अलावा बांस के अलावा भी और भी फलदार वृक्ष भी लगा, यहाँ पे अभी 2200 पौधे लगने हैं, अभी केवल बांस के लगने हैं। इसके बाद भी फलदार पौधे होंगे, उसमें भी अपन जैसे अमरूद हो गया, नींबू हो गया, सीताफल हो गया, जो इस क्षेत्र में मतलब सही तरीके से हो जाए समूह के द्वारा ही हो। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।